नमस्कार दोस्तों, मैं पप्पू सर आपके अपने यूट्यूब चैनल पीएसटी क्लास में स्वागत है। दोस्तों अभी का ब्रेकिंग न्यूज निकल के आ रही है, जैसे कि आप स्क्रीन पर देख ही रहे हैं। इस वीडियो में वीटीएससी एएनएम 10709 पोस्ट के रिगार्डिंग बात करने वाले हैं। आज के डेट में स्वास्थ्य विभाग की तरफ से, पटना हाईकोर्ट की तरफ से, वीटीएससी आयोग की तरफ से वीटीएससी एएनएम 10709 पोस्ट के रिगार्डिंग जो भी अपडेट निकल के आ रही है, सारी जानकारी वन बाय वन करके डिटेल्स में इस वीडियो में बात करने वाले हैं। इसलिए यह वीडियो उन सभी स्टूडेंट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है जो बीटीसी एएनएम 10709 पोस्ट का फॉर्म भरे और चाहते हैं कौशलिक आधार पर यह वैकेंसी क्लियर हो, तो बिना स्किप के वीडियो को पूरा देखिएगा, क्योंकि जो सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आया है कल के डेट में, वह जजमेंट भी हम इस वीडियो में बताने वाले हैं, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का ये फाइनल जजमेंट में क्या बताया जा रहा है, जो भी इसमें नियमावली को चेंज नहीं कर सकते क्या है। टोटल 7 पेज का इस वीडियो में, डिटेल्स में 7 पेज हम आपको समझाने वाले हैं, इसलिए बिना स्किप के वीडियो को पूरा देखिएगा। इससे पहले हमारे चैनल पर अपने चैनल को सब्सक्राइब कर और नोटिफिकेशन ऑन करिएगा डेली बेसिस से सही वीडियो पाने के लिए। दोस्तों वीडियो बने रहिए, चलिए बिना समय गवाए वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। और सबसे पहले जो सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आया है टोटल 7 पेज का, तो चलिए सबसे पहले हम आपको सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट को समझाते हैं उसमें क्या लिखा हुआ, उसके बाद फिर हम लोग आगे बात करने वाले हैं और न्यू वैकेंसी की रिगार्डिंग भी क्या अपडेट निकल के आ रही है। मतलब आज के डेट में स्वास्थ्य विभाग से न्यू वैकेंसी और पुराने वैकेंसी के रिगार्डिंग जो भी अपडेट निकल के आ रही है, इस वीडियो में सारी जानकारी वन बाय वन करके डिटेल्स में बात करने वाले हैं। सबसे पहले जो सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आया, चलिए हम आपको जजमेंट के बारे में बिल्कुल समझाते हैं स्टेप बाय स्टेप करके और सरल भाषा में, आप वीडियो में बने रहिए। दोस्तों देख लीजिए, फाइनली हम सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट लेके आ चुके हैं, जो कि नाइट हम आपको लाइव में बताए थे, मॉर्निंग में एक वीडियो बना देंगे, जो कि अभी मार्च में ही एक सप्ताह पहले सुप्रीम कोर्ट एक जजमेंट दिया है, जो नियमावली को बीच में आप चेंज नहीं कर सकते हैं, जिस नियमावली पर वैकेंसी निकला है उसी नियमावली पर वैकेंसी क्लियर होगा। तो टोटल ये 7 पेज का जजमेंट है जो कि सुप्रीम कोर्ट के द्वारा दिया गया है। तो चलिए हम आपको हर एक पेज डिटेल्स में हम आपको समझाने वाले हैं, जो सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जो दिया गया है जजमेंट इसमें क्या लिखा हुआ, और यही जजमेंट 2 अप्रैल को लगने वाला है पटना हाई कोर्ट में। आज ये जजमेंट अमनव श्रीवास्तव सर के पास और मौली सर के पास पहुंच जाएगा, क्योंकि आज फिर से हमारी टीम की मीटिंग है और मीटिंग के दौरान जो भी निकल के आएगा हम 12 बजे लाइव में आपको बता देंगे। तो चलिए पहले सबसे पहले इसको हम अच्छे से समझा देते हैं, चलिए इसको हिंदी हम कर लेते हैं, ट्रांसलेट कर लेते हैं, ताकि आपको समझने में कोई दिक्कत नहीं हो। देख लीजिए दोस्तों, फाइनली हिंदी ट्रांसलेट हम कर लिए हैं। देख लीजिए दोस्तों, नियुक्ता चयन प्रक्रिया के बीच में विज्ञापन में निर्धारित योग्यता नहीं बदल सकता सुप्रीम कोर्ट। क्या लिखा हुआ है स्पष्ट रूप से ऊपर में ही आप समझ रहे हैं, जो नियुक्ति प्रक्रिया है तो बीच में आप जो है कोई चीज़ आप नहीं बदल सकते, मतलब नियमावली नहीं बदल सकते हैं। आगे देख लीजिए, यही जजमेंट आने के बाद जो है सरकार परेशान हो चुका है। देखिए केस का टाइटल क्या है, अनिल किशोर पंडित बनाम बिहार राज्य और अन्य 2024। जो भी केस आ रहा है बिहार राज्य का ही केस आ रहा है, क्योंकि बिहार में ही ऐसे होता है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि चयन प्रक्रिया के बीच में भर्ती प्रक्रिया में निर्धारित पात्रता अवलिक योग्यता में कोई भी बदलाव अनुचित प्रक्रिया है, और यह मूल विज्ञापन के अनुसार चयनित होने के योग्य उम्मीदवार को अवसर से वंचित करने का समान है। चलिए आगे देख लीजिए, जस्टिस हिमा कोहली और जस्टिस आशा नुद्दीन अमानुल्लाह की खंडपीठ ने कहा है यह स्थापित कानून की किसी नियुक्ता के लिए चल रही प्रक्रिया, देख लीजिए दोस्तों, यह स्थापित कानून है कि किसी नियुक्ता के लिए चल रही चयन प्रक्रिया के दौरान विज्ञापन में निर्धारित योग्यता को बीच में बदलना संभव नहीं है, ऐसी कोई भी कार्रवाई मनमाने ढंग से की जाएगी, क्योंकि यह उन उम्मीदवारों को अवसर से वंचित करने के समान होगा जो विज्ञापन के संदर्भ में, चलिए आगे बताते हैं, आगे देख लीजिए, विज्ञापन के संदर्भ में पात्र हैं, लेकिन घोषणा के बाद नियुक्ता द्वारा पात्रता मापदंड में बदलाव के आधार पर अयोग्य घोषित कर दिए जाएंगे। सुप्रीम कोर्ट की उक्त बात पटना हाईकोर्ट के डिवीजन बेंच के फैसले के खिलाफ अनिल किशोर पंडित अवलिक अपीलकर्ता द्वारा की गई। देखिए यहाँ भी डबल बैच है, यहाँ पर देख लीजिए, डिवीला पर देख लीजिए, डबल बैच का है जो हम लोग अभी केस चल रही है, और लोग कह रहे हैं जब सुप्रीम कोर्ट जाएंगे तो स्वेच्छा से जाइए, कहीं से कोई दिक्कत नहीं। आगे देख लीजिए, सुप्रीम कोर्ट की उक्त बात पटना हाईकोर्ट की डिवीजन बेंच के फैसले के खिलाफ अनिल किशोर पंडित अवलिक अपीलकर्ता द्वारा की गई सिविल
अपील पर फैसला करते हुए समय आई, जिसके तहत देखिए डिवीजन बेंच ने एकल न्यायाधीश के फैसले को पलटते हुए अपीलकर्ता के उम्मीदवारी को खारिज कर दिया था। मतलब इसमें क्या कह रहा है, जो सिंगल बेंच में जो है जो अपील किया था उसका जो है हार हो गया था, खारिज कर दिया था सिंगल बेंच में, और फिर डबल बेंच में जो है डबल बेंच में भी यही हुआ था। तब जो है वो अपीलकर्ता जो भी है वो सुप्रीम कोर्ट गया, और सुप्रीम कोर्ट में जाने के बाद उसको फाइनली फैसला हुआ। देख लीजिए आपके सामने हर चीज़ है, तो इसीलिए बीच में कोई नियमावली चेंज नहीं हो सकता, हर चीज़ नहीं हो सकता। और फाइनली ये जो अभी फैसला आया है, और इससे पहले भी जो लगाया गया था आपको भी पता होना चाहिए, इससे पहले 2023 वाला नियमावली लगाए थे तो सिंगल बेंच में हम लोग को जीत मिली थी, और 2024 वाला भी नियमावली ये लगाएंगे तो इसी नियमावली पर हम लोग को LPM भी जीत हो जाएगी, इसलिए आप लोग को टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है। थैंक यू दोस्तों, देख लिए 7 पेज का टोटल जजमेंट था, और जजमेंट को हम अच्छे से सरल भाषा में आपको समझा दिए, आप लोग समझ गए होंगे। ये जो अपील करता था पहले सिंगल बेंच पे केस किया तो सिंगल बेंच में ये हार गया, फिर डबल बेंच पे केस किया, अपील किया तो डबल बेंच में भी हार गया, उसके बाद ये हार नहीं माना, सुप्रीम कोर्ट का रुख किया, और फाइनली सुप्रीम कोर्ट में जाके इसे न्याय मिला। कलयुग है, कहीं से कोई दिक्कत नहीं है, सब जान रहा है कलयुग है, फिर भी अभी भी कोर्ट में न्याय होता है, जाके सुप्रीम कोर्ट में जाके इसे न्याय मिला। इसीलिए 2023 में जो सुप्रीम कोर्ट का फाइनल जजमेंट आया था वो लगाए तो हम लोग सिंगल बेंच में जीत हो गया, और ये जजमेंट हम लगाएंगे तो LPA में आसानी से हम लोग को जीत मिल जाएगी, इसलिए आप लोग को टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है। और आज हम आपको पहले भी बता दिए ये जो जजमेंट है तो आज मौली सर के पास और अभिनव श्रीवास्तव सर के पास ये जजमेंट चला जाएगा, और आज हम लोग को फिर से मीटिंग होने वाली है, तो जो भी मीटिंग में निकल के आएगा हम आपको 12 बजे बताने वाले, डिटेल्स में 12 बजे हम आपको बताने वाले आज के मीटिंग में क्या क्या हुआ है, तो सारी जानकारी हम आपको बता दिए। न्यू वैकेंसी की रिगार्डिंग हम आपको अपडेट देते ही रहते हैं, पर डे स्टूडेंट मंगल पांडे जी से सभी स्टूडेंट मिलता है, और मंगल पांडे जी बोल दिए अप्रैल में हम आपको न्यू वैकेंसी देंगे, तो इसीलिए आपको टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है। 100% मौली सर हम लोग केस में आ रहे हैं, अनिता दी का केस LPA 244 में मौली सर को एंट्री हो रही है, इसलिए आप लोग को टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है, परेशान होने की आवश्यकता नहीं है, आपके भाई आपके साथ है, और आपके पास सिर्फ 2 दिन का समय, आपकी बार 50 के, और अपने भाई के लिए पूरा तन मन धन लगा दीजिए, क्योंकि आपके भाई हम पहले बता दिए नहीं 32,000 पॉइंट पे आँच आने देंगे, नहीं टीम को टूटने देंगे, और यही भाई है जो आपको जीत दिलाए, और आपको टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं, परेशान होने की आवश्यकता नहीं है, सरकार खुद परेशान है ये जजमेंट आने के बाद, तो इसलिए आपको टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है। तो आप लोग परेशान हो रहे थे नाइट में सर क्या लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ, बोले मॉर्निंग में आपको एक फ्रेश सा वीडियो बना देंगे, बना के हम आपको दे दिए हैं, आप लोग समझ गए होंगे। तो चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब करो, नोटिफिकेशन पर शेयर कीजिए, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए, ताकि सभी लोग जाने जो सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आया है ये जजमेंट क्या कह रहा है, इससे क्या हो सकता है। तो फाइनली हम सब कुछ आपको बता दिए, डिटेल्स में हर चीज़ आपके सामने में रख दिए, और अभी 12 बजे लाइव आएंगे तो हम लोग डिटेल्स में डिस्कस करने वाले हैं, आज हमारी टीम का जो बैठक था बैठक के दौरान क्या निकल के आया, क्योंकि मिशन 2 अप्रैल, और आप लोग जो है मिशन में लग जाइए, क्योंकि आपके पास सिर्फ मात्र 2 दिन का समय है, अब की बात 50 के पास, भाई के मिशन में लग जाइए, और भाई बाहर के मिशन में लगे हुए हैं, जितना हो सके सोशल मीडिया पर इस वीडियो को आप लोग शेयर कीजिए। 12 बजे लाइव आना नहीं भूलिएगा, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पर हम लोग 12 बजे डिस्कस करने वाले हैं, इसलिए सभी स्टूडेंट्स वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए। थैंक यू।